सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अपना नाम और परिचय बता दें। सर मेरा नाम जयकृष्ण कुमार है, इधर सस्ताग्राही संघ जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। चंदौली। सर हम लोगों को अभी हमारा मानदेय एक साल से रुका हुआ था, जो कि हम लोग कई बार इसकी सूचना डीएम साहब को भी डीपीआरओ साहब को भी दे दिया है। इसके बाद सर मुख्यमंत्री पोर्टल की भी डाला कि सामाजिक सेवा है, तो सर हम ये चाहते हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। जो पेमेंट हमारा जो बन रहा है, मैं डीपीआरओ महोदय को कहूँगा कि भी जितने भी प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो लोग सभी लोग सर अपना वेतन छोड़ दें। हम लोग भी अपना वेतन छोड़ने के लिए तैयार हैं एक एक साल का। ठीक है। आपके कार्यालय प्रदर्शन था, किस मांगों को लेकर था और क्या इनको आश्वासन मिला आपके? नहीं, स्वच्छाग्रहियों का प्रदर्शन था, इसकी कोई जानकारी मुझे पहले से नहीं थी कि मेरे कार्यालय पर स्वच्छाग्रही इतनी तादाद में आएंगे। स्वच्छाग्रहियों के मानदेय मेरे पूर्वाधिकारी के वित्तीय नियमों के अंतर्गत पेमेंट करने के लिए तमाम फॉर्मेलिटीज होती है, वो भी पुराने पेमेंट के लिए, तो वो सब फॉर्मेलिटीज मैंने ओके करा दी। सीटीओ साहब के यहाँ से परीक्षण कि हमें काम डेली नहीं मिलता है, ऐसा कुछ स्वच्छाग्रही के जो काम है वो मोटिवेशन का काम है और ये नौकरी नहीं है। अब कैसे इनकी किन क्राइटेरिया की क्या इनको आश्वासन दिया गया हम नहीं जानते। जहाँ भी इनको भर्ती की गई वहाँ बताया जाता है कि ये सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, ये वॉलेंट्री वर्क है, ये तनख्वाह नहीं है, ये वेतन नहीं है, ये नौकरी नहीं है। और आज भी उस पर कायम हूँ स्वच्छाग्रहियों का कि नौकरी नहीं होती है, ये वॉलेंट्री वर्क है जो देश के लिए। हमारी मांगे पूरी करो, भुगतान करो। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।